So good morning students, welcome you all on my YouTube channel and today we are going to start our next topic of chapter 4 that is assisted reproductive techniques. ठीक है बेटा, इनको ARTs भी बोला जाता है. ओके, सो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताया था बेटा. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इन टेक्निक्स के बारे में. और अगर हम बात करें कि ये टेक्निक्स जो हैं ये क्यों इतनी यूज़फुल हैं, ठीक है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, वो सभी हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज टॉपिक इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इनको हम ART भी बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दीज टाइप ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी. ओके, तो इनफर्टिलिटी की मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कल ही बता चुकी हूँ. क्लियर? सो ART जो होती हैं वो साथ साथ इनफर्टिलिटी को तो ट्रीट करती ही हैं, बट अगर कोई ऐसे कपल हैं जो सफरिंग हैं विद अ सर्टेन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक एड्स, ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल दैट एड्स इज नॉट ए क्यूरेबल डिजीज. ओके, एंड इफ दीज टाइप ऑफ कपल वॉन्ट टू कंसीव द बेबी, ओके, सो अवॉइड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द चाइल्ड, दीज टाइप ऑफ टेक्निक्स ऑल्सो यूज्ड. क्लियर? तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती हैं उनमें बहुत सारी टाइप की होती हैं ये टेक्निक्स. ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF. IVF क्या है? मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है, आप सभी ने भी सुनी होगी. ओके, सो IVF क्या होता है? IVF होता है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्लियर? अब यहाँ पर हम इन विट्रो को अगर डिफाइन करें तो इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी. क्लियर? इट मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हम कराएंगे और उसके बाद वो जो एम्ब्रियो होगा उसको हम क्या करेंगे? यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, तो ये होती है हमारी टेक्निक IVF. तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और साथ साथ इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स भी इसको बोला जाता है. क्लियर? तो एक्चुअल में होता क्या है कि इस टेक्निक में, थोड़ा मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि सोचिए यहाँ पर ये एग है. ठीक है, एग को रिमूव कर लिया जाता है फ्रॉम द मदर्स, ठीक है, ओवरी से. ठीक है, जो मैच्योर फॉलिकल होते हैं वहाँ से जो एग होता है उसको क्या कर लिया जाता है? रिमूव कर लिया जाता है. ठीक है, और स्पर्म को लिया जाता है. ठीक है, तो इनको एक लैब में क्या करा जाता है? कल्चर करा जाता है. लैब में कल्चर करा इनको, ठीक है, मिक्स किया. ठीक है, इसको इंजेक्टेड किया यहाँ पर एग में और इसको लेबोरेटरी में क्या किया? कल्चर किया गया. ठीक है, उससे क्या हुआ? फॉर्मेशन हुई. किसकी? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई. ठीक है, एम्ब्रियो कहाँ तक होना चाहिए? जहाँ तक कि 8 ब्लास्टोमियर हो उसके अंदर. तो अगर आपको 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज देखनी है तो वो मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में समझा रखी है. ठीक है, तो जब स्टेज होती है, जब फर्टिलाइज्ड जो एग होता है, जो एम्ब्रियो होता है, कौन सी स्टेज वाला? अप टू 8 ब्लास्टोमियर. ठीक है, उसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में. ओके, सो इस टाइप के जो ट्रांसफर होता है उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोला जाता है. क्लियर? अगर अब हम बात करें थ्योरी की तो वो अब हम यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज इट इज टेक्निक ऑफ इनिशिएटिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. जैसे कि मैंने आपको बताया इन विट्रो है तो आउटसाइड द बॉडी ही होगा. क्लियर? तो अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की. तो IVF में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज जो होती है वो एग आर रिमूव्ड फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल विद एन ओवरी. जो मैच्योर फॉलिकल होती है उनमें से क्या कर लिया जाता है? एग को रिमूव कर लिया जाता है. क्लियर? सेकेंड इसके जो प्रोसेस है, जो सेकेंड स्टेप है, उसमें क्या होता है? एग इज फर्टिलाइज्ड बाय इंजेक्टिंग ए सिंगल स्पर्म इनटू द एग और मिक्स द एग विद द स्पर्म इन ए पेट्री डिश. जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एग है और ये जो स्पर्म है इसको इंजेक्टेड किया कहाँ पर? एक पेट्री डिश में. क्लियर? उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका कि फर्टिलाइज्ड एग, एम्ब्रियो जो होता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर, जिसमें 8 ब्लास्टोमियर होते हैं, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस. उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में. तो इस तरीके के जो ट्रांसफर होता है उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET भी बोलते हैं. ओके, तो बेटा एक डेटा है, रफली है, ऐसा कुछ खास नहीं है, पूछा नहीं जाता इतना ज़्यादा, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि जो वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था वो था लुइस जो जॉय ब्राउन, सॉरी, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? लुइस जॉय ब्राउन.
and he is born on 25th जुलाई 1978 इन इंग्लैंड. क्लियर. अगर हम इंडियन डेटा की बात करें तो फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी जो थे उनका नाम है कुमारी हर्षा. क्लियर. एंड कुमारी हर्षा वॉज बॉर्न ऑन 6th August 1986 इन KEM हॉस्पिटल मुंबई. क्लियर. सो बेटा ये जो टेक्निक्स होती हैं ये बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं और स्पेशली ये टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जा रही हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि जिससे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो. क्लियर. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच.